ये जो आप देख रहे हैं यह है एक्सटर्नल सर्किट ब्रेकर यानी ECB एक्सटर्नल सर्किट ब्रेकर। ये 160 एम्पियर का है। ये भी सेम MCCB की तरह है लेकिन यह थोड़ा उससे अलग है, यानी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर से यह थोड़ा अलग है। इस तरह से हम केबल को रिमूव करेंगे। ये है स्ट्रीट लाइट का बोर्ड। तीनों केबल को रिमूव कर दिया गया है। अब इसका बारी है CT का। ये CT है, ये किस काम के लिए आपको मालूम ही है। ये 300 एम्पियर तक ये मेज़र कर सकता है। ये एम्पियर मेज़र करने के लिए होता है। तो ये देख सकते हैं 3 CT है, 3 फेस के लिए। हम केबल का न्यूट्रल को भी रिमूव कर देते हैं। इस तरह से ये न्यूट्रल बस बार है। बोर्ड के अंदर 2 बस बार होते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें जो इलेक्ट्रीशियन में सऊदी अरब में आना चाहते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। 2 बस बार होते हैं, एक ग्राउंडिंग बस बार होता है और एक न्यूट्रल बस बार होते हैं। तो हम न्यूट्रल बस बार से तार को खोल लेते हैं। देख सकते हैं कि कचरा है पूरा, क्योंकि ये बोर्ड बहुत पुराना है और हमारे मुजीब भाई हैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए भाई, अभी न्यूट्रल बस बार भी हो गया है, खोल लिया हूँ, अभी आगे बात करते हैं फिर थोड़ा रुक के। तो दोस्तों ये हमारा है CT। ये 3 फेस के लिए 3 होता है, 1 फेस के लिए 1 होता है। ये CT निकाल दिया गया है। अभी और इसमें देख सकते हैं, इसमें डिटेल्स भी हैं, एक्सटर्नल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसका नंबर है MF1M250। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 160 एम्पियर का है, 160 एम्पियर। यह ऑन ऑफ के लिए, इसके लिए यहाँ पे LK है। ये LK से ये ऑन ऑफ होता है, इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें 3 फंक्शन देखें, लाल ऑन है, लाल इंडिकेटर ऑन है, और वाइट वाला इंडिकेटर, ये ट्रिप है। अगर वाइट वाला इंडिकेटर यहाँ पे आता है तो ये ट्रिप है, और अगर ग्रीन वाला इंडिकेटर यहाँ पे रहता है तो यानी ऑफ है। अभी ग्रीन वाला इंडिकेटर देख सकते हैं आप, उसके अंदर ग्रीन वाला इंडिकेटर है, तो अभी ये ऑफ है। और जब ये देखिए, ये वाइट वाला देख सकते हैं, अभी जैसे मैं घुमाया वाइट वाला, तो ये ट्रिप है, और ऊपर की ये रेड वाला आया, यानी ये ऑन है, ऑन केस। इसके अलावा भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कनेक्शन है। इस कनेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें।